अगर आप खून खराबे जैसी फिल्मों का शौक रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में हमने उन्हीं मूवीज को कवर किया है जिसको हमने पिछले वीडियो में मिस कर दिया था। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। नंबर 5 पे आती है ट्रूथ और डेयर, जिसकी अकॉर्डिंग है 5.2 की, जो आई थी 2018 में, जो हॉरर थ्रिलर मूवी है। गेम तो आप सभी खेलते होंगे, लेकिन क्या हो जब वो गेम आपकी जान पर बना है, तो ऐसे में आप क्या करोगे। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है जिसमें कुछ फ्रेंड एक गेम खेलते हैं ट्रूथ और डेयर, जिसमें उनको बाद में पता चलता है कि अगर उन्होंने रूल फॉलो नहीं किया या झूठ बोला तो वो मिस्टीरियस तरीके से मर जाएंगे। ये एक अच्छी मूवी है जिसका बजट है $3.5 मिलियन, जिसने बॉक्स ऑफिस पर $95.3 मिलियन कमाई की थी। It only ends when all the players are dead. Then your turn's next. नंबर 4 पे आती है दी रूइंस, जिसकी अकॉर्डिंग 5.9 की, जो आई थी 2008 में, जो एक हॉरर थ्रिलर हुई है। जिस तरह हम नेचर के साथ गलत कर रहे हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है कि नेचर भी हमारे साथ ऐसा ही करे, वो हमसे अपना बदला ले। अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो ये मूवी आपको गलत साबित कर देगी। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक लड़की को जिसे कोई खींच कर ले जाता है, फिर हम देखते हैं एक टेम्पल को जहाँ कुछ लोग रहते हैं जो वहाँ लोगों को जाने से रोकते हैं। अब मूवी में आपको ये पता लगाना है उस लड़की को किसने खींचा और क्या है टेम्पल का राज। आप और आपकी फैमिली आराम से अपने घर पर रह रहे हो और अचानक से आपको कोई मारने की कोशिश करे, तो ऐसे में आप क्या करोगे। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है। नंबर 3 पे आते हैं यू आर नेक्स्ट, जो आई थी 2011 में, जो एक हॉरर थ्रिलर मूवी है, जिसकी अकॉर्डिंग है 6.6 की। इस फिल्म का बजट था $1 मिलियन, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी $26 मिलियन। ये कमाल की मूवी है जिसमें आपको कई ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे। नंबर 2 भी आती है रेडी और नॉट, जिसकी अकॉर्डिंग है 6.8 की, जो आई थी 2019 में, जो हॉरर थ्रिलर हुई है। क्या ऐसी भी कोई फैमिली हो सकती है जिसकी वेडिंग सेरेमनी के बाद कोई अनजान गेम खेला जाता हो। अगर आपको पता है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी ही है जिसमें ग्रेस को उसके फैमिली के साथ एक गेम खेलना पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब उसे इस गेम की असलियत पता चलती है। ये एक बहुत ही अच्छी मूवी है जिसका अंदाज़ा आप इसकी रेटिंग से लगा सकते हैं। नंबर 1 पे आती थी केविन इन द वुड्स, जिसकी अकॉर्डिंग है 7 की, जो आई थी 2011 में, जो हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर हुई है। ये कहानी है एक ऐसे केविन की जिसे कहीं दूर से कोई कंट्रोल कर रहा होता है। फिल्म में 5 दोस्त होते हैं जो उस केविन में जाते हैं, जिन्हें बाद में पता चलता है कि उनके दोस्तों को कोई मार रहा है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, क्या वो उसमें कामयाब हो पाते हैं या नहीं। इस फिल्म में आपको थॉर भी नज़र आएंगे एक अलग अंदाज में। भाई पे आती है डेथ नोट, जिसके हम रेटिंग है 4.4 की, जो 2017 में, जो एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। आप कहीं जा रहे हो और अचानक से आपको एक नोटबुक मिल जाए जिसके बारे में आपको कुछ भी पता ना हो, तो आप क्या करोगे। नहीं पता, कोई बात नहीं, इस फिल्म में आपको कुछ ऐसी कहानी देखने को मिलेगी जिसमें कहानी है एक ऐसे नोटबुक की जिसे डेथ नोट कहते हैं, जिसमें किसी का भी नाम लिख देने से उस शख्स की बहुत बुरी तरह से मौत हो जाती है। ये फिल्म उन लोग के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो खून खराबे से दूर रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कुछ लोग अपने फायदे के लिए किसी की भी जान ले लेते हैं। नंबर 4 पे आती है जेनिफर्स बॉडी, जिसका रेटिंग है 5.3 की, जो ऐसे 2009 में, जो एक हॉरर कॉमेडी मूवी है जिसको 86% गूगल यूजर ने लाइक किया है, जिसने कमाई की थी $31 मिलियन की। अगर हम इसकी स्टोरी की बात करें तो इसकी स्टोरी में एक ऐसी लड़की होती है जिसका नाम होता है जेनिफर्स, जिसे कुछ लोग ले जाते हैं अपना रिचुअल पूरा करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब जेनिफर वापस से जिंदा हो जाती है। You are never a good friend. You could have anybody that you want. My chip. नंबर 3 पे आती है हॉस्टल, जिसकी अकॉर्डिंग है 5.9 की, जो आई थी 2005 में, जो एक हॉरर मिस्ट्री हुई है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम कहीं जाएं और वहां से दोबारा वापस ही ना पाएं। अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो शायद आप गलत हो। इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी ही है जिसमें हम देखते हैं कुछ लोगों को जो हॉस्टल जाते हैं, जो वहाँ के खतरे से बिल्कुल अनजान रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता रहता कि वहाँ उन्हें उनकी मौत बुला रही है। अब आखिर उन्हें किस चीज़ का खतरा रहता है। नंबर
नंबर टू पे आते हैं जीपर्स क्रीपर्स, जिसकी अमाउंटिंग है 6.2 की, जो आई थी 2001 में, जो एक हॉरर थ्रिलर हुई है। इसमें का बजट था $10 मिलियन, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी $59.37 मिलियन, जिसको 88% गूगल यूजर ने लाइक किया है। अगर हम इसकी स्टोरी की बात करें तो स्टोरी में हर 23 साल में एक फ्लैश ईटिंग मॉन्स्टर आता है जो इंसानों का अपना शिकार बनाता है, जिसके आने के बाद चारों तरफ तबाही मचती है। नंबर वन पे आती है जो 2016 में, जो हॉरर थ्रिलर हुई है, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 6.6 की। कई बार हमारे सामने सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें हम पैनिक हो जाते हैं, जिसमें हमें पैनिक नहीं काम होने की ज़रूरत होती है। इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी ही है, जिसमें एक सीरियल किलर होता है जिसे लोगों को मारने में बहुत मज़ा आता है। फिल्म में एक लड़की होती है जो बोल सुन नहीं सकती, जिसे वो किलर मारना चाहता है। क्या वो उसमें कामयाब हो पाता है या नहीं? ये एक अच्छी मूवी है जिसको 85% गूगल यूज़र ने लाइक किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों जो ऐसी मूवी देखना पसंद करते हैं। सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारी मेहनत ज़रा सी भी पसंद आई हो। अगर आप हमसे वीडियो से रिलेटेड कुछ बताना चाहते हैं तो वो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, जिसका हम रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। तो आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।